दोस्तों आज की वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे। आज हम दो और दो की पावर्स के डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे। यदि कोई संख्या को हमें चेक करना है कि वो दो से विभाजित है कि नहीं, तो हम दो को क्या ले सकते हैं, दो की पावर एक, मतलब पावर एक, तो हमें उस संख्या का एकाएक अंक चेक करना पड़ेगा कि वो दो से विभाजित है कि नहीं। यदि वो दो से विभाजित होगा तो पूरी संख्या दो से विभाजित होगी। इसी प्रकार यदि हम चेक करना चाहते हैं कोई संख्या चार से विभाजित है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, दो की पावर दो को लिख सकते हैं चार, मतलब कि घात दो, मतलब कि लास्ट के टू डिजिट हमको चेक करना पड़ेगा चार से विभाजित हैं कि नहीं। यदि वो लास्ट के टू डिजिट चार से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, ठीक है, चार से। इसी प्रकार यदि हम आठ से चेक करना चाहते हैं तो हमें तीन का पेयर बनाना पड़ेगा, और इसी प्रकार आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। यदि कोई संख्या आठ से डिवाइड हो रही है तो वो चार से भी होगी, दो से भी होगी, है ना। पर यदि कोई संख्या दो से हो रही है तो जरूरी नहीं चार से हो, देख इसमें आप चेक कर सकते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तीन और नौ का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। दोस्तों जब भी आपको कोई संख्या दी जाए और आप चेक करना चाहते हैं कि वो तीन से डिविजिबल है, तो आपको क्या करना है, सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा तीन से भाग देकर। पर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, आपको जनरली क्या करना है, आपको डायरेक्ट तीन देख के उसको काटना है ना, मतलब ये थ्री हो गया, दो एक तीन हो गया, तो ये तीन से डिविजिबल हो गया। इसी प्रकार हम इसको भी देखेंगे, हमको अंकों का योग चेक करना है, तीन आना चाहिए और उसे काट देना है। जैसे तीन कितना आ रहा, देखिए दो एक तीन, ये हो गया, तीन का मल्टीपल है, ये हो गया तीन दो नीचे, पाँच चार नौ, तीन तिरका नौ, ये हो गया है, तो ये भी तीन से डिविजिबल है। उसी प्रकार यदि हमें नौ का चेक करना है तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, पर हमें क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग नौ होना चाहिए। यदि नौ हो रहा तो डायरेक्ट हम काट देंगे, ये नौ हो रहा, सात और दो नौ हो रहा, तो ये नौ से डिविजिबल है ये संख्या। उसी प्रकार यदि हम इसे भी चेक करना चाहते तो पाँच चार नौ, छः दो आठ एक नौ, देखिए, तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं नौ से डिविजिबल कोई संख्या है कि नहीं, है ना। देखिए दोस्तों ये संख्या और ये संख्या सेम है, तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, यदि कोई संख्या नौ से डिविजिबल है तो वो तीन से भी ज़रूर डिविजिबल होगी, पर यदि कोई संख्या तीन से विभाजित है तो वो नौ से विभाजित हो जरूरी नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए दो संख्याएं लिखी हैं छः और बारह, जो कि तीन से डिवाइड तो हैं, तीन दूनी छः, तीन चौके बारह, पर नौ से विभाजित नहीं है, तो हमको ध्यान रखना कि यदि हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं जैसे नौ हो गया सत्ताईस हो गया, तो जो उसके फैक्टर होंगे तीन या सत्ताईस लिया तो नौ और तीन, तो ये उस संख्या को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। पर उसके विपरीत यदि हम कोई बड़ी संख्या छोटी संख्या लेते हैं तो जरूरी नहीं बड़ी संख्या भी डिवाइड करें, आपको ध्यान रखना है। जब भी आपसे कोई पूछे कोई संख्या पाँच से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको चेक करना है। पाँच को हम क्या ले सकते हैं, पाँच की पावर वन, मतलब हमको इकाई का अंक देखना है, जीरो होना चाहिए या पाँच होना चाहिए, अगर होता है तो वो पूरी संख्या पाँच से डिविजिबल हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार यदि हम 25 से चेक करना चाहते हैं कोई संख्या डिविजिबल है कि नहीं, तो हमको 25 को क्या ले सकते हैं, पाँच की पावर दो, मतलब कि लास्ट के टू अंक को हमको चेक करना होगा कि वो 25 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, तो लास्ट में 25 से हो जाना चाहिए, लास्ट में दो जीरो आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये घात दो है। इसी प्रकार यदि हम 125 से चेक करना चाहते हैं तो लास्ट के तीन अंक क्या होना चाहिए, 125 से डिवाइड होना चाहिए या फिर लास्ट में तीन जीरो होना चाहिए। इसी प्रकार आगे भी आपको एक बात और ध्यान रखना है, यदि कोई संख्या जैसे हमने लिख लिया याली संख्या, ये क्या है, पाँच की पावर चार से क्या है, डिविजिबल है, तो ये पाँच की पावर तीन से भी होगी, दो से भी होगी, एक से भी होगी, है ना। तो आपको ध्यान रखना कि यदि हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं तो जो उसके भी फैक्टर्स होते हैं वो पूरी उस संख्या को विभाजित करते हैं, पर इसका उल्टा जरूरी नहीं सही हो। जैसे कि हमने पाँच लिया तो ये दस को डिवाइड कर रहा है, पर 25 10 को डिवाइड नहीं कर रहा है। छः का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। छः किससे मिलकर बना होता है, आप सभी जानते हैं कि दो और तीन का जब प्रोडक्ट करते हैं तब छः बनता है, मतलब कि छः में दो और तीन दोनों छुपा है। तो जब हमने इसके पहले वीडियोस में देखे थे कि दो का और थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो हमको बस यही चेक करना है। दो का सबसे पहले हम चेक करेंगे, जैसे कोई संख्या ये लिखी है तो हम उसको चेक करना छः से है कि नहीं डिवाइड, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, दो का देखेंगे, दो का क्या होता है, यूनिट डिजिट दो से विभाजित होना चाहिए, पाँच है, नहीं होगा, तो अब तीन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। इसी प्रकार हम यहाँ चेक करेंगे, देखिए एकाएक अंक दो है, यस, मतलब कि अब तीन से करेंगे, तीन का क्या कहता है कि अंकों को जोड़ो और तीन से काटो, ये तीन बन गया, दो दूनी चार, अब तीन से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। आगे जाते हैं, देखिए ये क्या है, एकाएक अंक चेक करेंगे, दो से डिवाइड हाँ है, मतलब कि तीन से चेक करेंगे, अब तीन पाँच चार नौ, यस, यानी कि ये संख्या पूरी छः से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये संख्या है, सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करेंगे, दो से डिवाइड है हाँ है, अब तीन से चेक करेंगे, तीन का रूल क्या कहता है, जोड़ो और तीन से काटो, तो तीन कट गया, आठ दो दस पाँच पंद्रह, तीन से कट रहा, तीन पाँच पंद्रह, यस, मतलब कि ये पूरी संख्या भी छः से डिवाइड होगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या छः से डिवाइड है कि नहीं ईजिली दो और तीन के डिविजिबिलिटी रूल से। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, कॉमेंट करके बताइएगा, और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर विजिट कीजिएगा। बाय।